हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू मेथी। तो आलू मेथी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है मेथी। अब मेथी को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे मेथी को तोड़कर कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे पानी से। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने डाला है 1 चम्मच ऑयल। थोड़ा सा ऑयल और हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब हमने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी जो है हमने यहाँ पे हटा दिया है। और हमने यहाँ पे एक आलू को कट किया है। आलू को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक कटी हुई प्याज ली है, 4 से 5 हरी मिर्च ली है। अब हम यहाँ पे प्याज को डाल रहे हैं ऑयल में और अब हम यहाँ पे प्याज को अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च कट की थी, हम यहाँ पे हरी मिर्च डाल देते हैं। और हमने यहाँ पे जो एक आलू कट किया था, हम यहाँ पे आलू डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाए और आलू थोड़े से दबने लगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरीके से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं मेथी भाजी। मेथी भाजी डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि जो हमने इसे वॉश किया था, इसका थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे दिख रहा है। तो जब तक ये पानी सूख रहा है, तो हम यहाँ पे एक ढक्कन लगा देते हैं। और ढक्कन लगाने के बाद हमने यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है उसे हाई रखा है। और जब आप ढक्कन हटाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मेथी भाजी है वो अच्छी तरीके से पक गई है। लेकिन यहाँ पे हम इसे ढक्कन हटाकर और 2 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि जो आपकी मेथी भाजी है वो ज़्यादा कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर हम मेथी भाजी को अगर भाप में पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कड़वी सी लगती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्राई करेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और अब आप देखेंगे कि जो आपकी मेथी भाजी है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी मेथी भाजी है वो बनके एकदम तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से आलू मेथी बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपके लिए इसी तरीके से ईजी रेसिपी लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।